गर्मियों की छुट्टियों के बाद आज से मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल खुल गए हैं। 3 दिन तक प्रदेश भर में राज्य स्तरीय प्रवेशोत्सव मनाया जाएगा। भोपाल के सुभाष एक्सीलेंस स्कूल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्कूल चले हम अभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के सुभाष एक्सीलेंस स्कूल में नव प्रवेशित बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत किया। उन्होंने कहा, आज बच्चों का शुभागमन हुआ है, कल वो क्या बनकर निकलेंगे हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं। सरकारी संस्थाओं की व्यवस्थाओं में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। सबसे पहले एमपी में शिक्षा नीति लागू की गई। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि हमने 369 सीएम राइज स्कूलों को शुरू कर दिया है। वहीं एमपी में 416 पीएम श्री स्कूलों की सुविधा सरकार देने जा रही है। यहाँ पर प्रदेश के अंदर भी लगभग हमने 369 सर्व सुविधा युक्त सीएम राइज विद्यालयों का संचालन प्रारंभ कर दिया है। मैं बधाई देना चाहूंगा। सीएम राइज स्कूलों में भी वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग, स्मार्ट क्लास, डिजिटल टीचिंग, निशुल्क वाहन सुविधा, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के आधुनिक संसाधन भी हमारे विद्यालय में मिलेंगे। वहीं इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने राष्ट्रगान को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री मोहन यादव से मांग करता हूं, एमपी में पहली क्लास से 12वीं तक राष्ट्रगान और झंडा वंदन हो, चाहे प्राइवेट स्कूल हो, सरकारी हो या फिर मदरसा हो, सभी जगहों पर राष्ट्रगान और झंडा वंदन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं कुछ समय के लिए ही स्कूल मंत्री था, उस समय हमने ये आदेश निकाला था, लेकिन उस आदेश में थोड़ी सी कमी रह गई थी। हम एक ही चीज चाहते हैं कि हमारे जो नौजवान बच्चे हैं, देश के भावी भविष्य, आप ये आदेश निकालें। मैंने एक आदेश निकाला था कि हर स्कूल में झंडा वंदन होगा, हर स्कूल में जनगणमन होगा, चाहे वो स्कूल प्राइवेट हो, चाहे स्कूल गवर्नमेंट का हो, चाहे वो मदरसा हो, लेकिन जनगणमन होगा और झंडा वंदन होगा। लेकिन वो आदेश में कुछ कमी रह गई थी। उस आदेश में हमने 6वीं क्लास से 12वीं क्लास तक के स्कूल का आदेश निकाला था। मेरा ये आपसे मानना है, अगर पहली क्लास का बच्चा हम तिरंगे से पहचान नहीं कराएंगे, हम जनगणमन नहीं गवाएंगे, तो हम उनके साथ इंसाफ नहीं करेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है, स्कूल चलो अभियान में आपके तरफ से ये घोषणा हो जाए कि मध्य प्रदेश के स्कूल में पहली क्लास से स्कूल जब लगे तिरंगा फहराया जाएगा, जनगणमन जाना जाएगा। कार्यक्रम के दौरान स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि पूरे प्रदेश में स्कूल चले हम अभियान की शुरुआत हो रही है। बेहतर शिक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमने काम किया, हमारे शासकीय स्कूलों में पालकों का भी पार्टिसिपेशन बढ़ाएंगे। लगातार हम लोग पूरे मध्य प्रदेश में 18, 19 और 20 जून को स्कूल चलो अभियान चला रहे हैं। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से विचार विमर्श करने के बाद हम लोगों ने एक बड़ा फैसला किया है। कल 18 तारीख में सुबह हम लोग पूरे मध्य प्रदेश में एक बच्चों के साथ में, जो वहाँ का मतलब विधायक हैं, राजनेता हैं, अधिकारी हैं, सब मिलकर इस अभियान की शुरुआत कराएंगे। उसके बाद अगले दिन बच्चों के साथ में जो पुराने उन स्कूलों के पढ़े हुए विद्यार्थी हैं, वो बच्चों के साथ सहभागिता करेंगे, नए बच्चों को प्रेरित करेंगे। और तीसरे दिन 20 तारीख को हमारे जो पालक हैं, उन पालकों को बुलाकर स्कूल में उनकी सहभागिता हो, उनकी स्कूल के प्रति उनकी जिम्मेदारी, उनका लगातार स्कूल से संपर्क बने रहना, इस तरह का एक कार्यक्रम हमने नियोजित किया है। और जो लगातार 3 दिन पूरे सावधानी से और पूरे उत्साह और जोश के साथ इस प्रदेश में हम मनाने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।